बाप बैठ कर सब आत्माओं को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? अपनी आत्माओं को समझाते हैं। सब आत्माओं को समझाते हैं तो कितनी आत्माओं को समझाते हैं? सब माने कितनी? बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। कितनी आत्माओं को समझाते हैं? सबको बस सबको नहीं, सब तो नहीं है, सब आत्माओं को समझाते हैं। किसी जो बाप से बनते हैं उन आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा तो सभी है, जो जानेंगे पहचानेंगे जो बाप के बनेंगे उनको समझाएंगे, सबको नहीं समझाएंगे। बाबा झूठ बोल रहे हैं। नंबर बात सभी आत्मा, सब आत्माओं को समझाते हैं। हाँ, बाप बैठ कर सब आत्माओं को माना जो आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं उन आत्माओं को समझाते हैं। वे अभिमानियों को नहीं समझाते, वो तो आत्मा बनेगी। आत्माओं को समझाते मैं आत्माओं को कैसे बिल्कुल रूप में जाएगा क्या? वो शरीर होते हुए भी आत्म की स्थिति में हो उसको बैठकर उनको सब उन सब आत्माओं को बैठ समझाते। शरीर भी याद करता है तो आत्मा भी याद करती, कोई भी बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, ये बहिर्मुखी है, ये इस दुनिया का सैराज करना चाहती है। बहिर्मुखी होगी तो क्या करना चाहेगी? दुनिया का सैराज करना चाहेगी तो ये उस दुनिया की भूली हुई है। कौन सी? जो उस दुनिया का सैराज करना चाहती, पहले उनका नाम रूप सामने आता है, किनका? आत्मा को धारण करने वाले का पहले नाम रूप सामने आता है, नहीं तो पता कैसे चलेगा ये कौन सी आत्मा? फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, तो ये आत्मा विशेष को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? कैसे? बिंदु को, बिंदु बिंदु तो सब एक जैसे, तो फलानी आत्मा को कैसे याद करेंगे? फलानी माने कोई कोई खास विशेष हुई ना, तो नाम किसका पड़ेगा? नाम तो शरीर का पड़ेगा, आत्मा का तो नाम नहीं पड़ेगा। ए आत्मा इधर आओ, तो उनका नाम रूप सामने आता है। तो फलाने की आत्मा अच्छी तरह करती है, इनका बुद्धियों को बाबा के साथ है, इनमें ये गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती, क्या कहा? क्या नियम है? पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। और क्यों बाबा? जो कोई बात नहीं है, क्यों? क्यों बाबा का तो शरीर होता ही नहीं, प्रवेश है। बहुत सब सब बच्चे प्रवेश करके शरीर करता है,
पहले शरीर याद आएगा, क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना। तो भक्ति मार्ग ने क्या बना दिया, शिवलिंग बड़ा बना दिया। अब इतना बड़ा तो शिव बाबा होता नहीं, होता कैसा है, तो ज्योति बिंदु ही होता है। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। पहले क्या याद आएगा, पहले बड़ा रूप याद आएगा, फिर उसमें जो काम करने वाली आत्मा है वो याद आएगी। तो इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है। महिमा किसकी की जाती है, तो शरीर को धारण करने वाली छोटी सी आत्मा है उसकी महिमा की जाती है। महिमा आत्मा की जाती है, महिमा कोई शरीर की नहीं की जाती। क्या मतलब, रुद्रयज्ञ रचते हैं तो शालिग्राम बनाते हैं छोटे छोटे, और एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, तो बड़ा क्यों बनाते हैं है? बड़ा जो शिवलिंग बनाया है किस बात की याद है, ऐसे तो नहीं कोई बड़ा शरीर धारण किया। बड़ा शरीर धारण करने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा पार्ट बजाया है जितना बड़ा पार्ट और कोई आत्मा बजा नहीं सकती। नाटक में बहुत बड़ा पार्टधारी कौन होता है, ये होता है। उसका कनेक्शन सार एक्टर्स के साथ होता है, तो बड़ा पार्टधारी हुआ। तो आत्मा जो बहुत सूक्ष्म छोटी है वो याद आएगी। महिमा आत्मा की जाती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है, इनसे अच्छी है। ऐसे थोड़े कहेंगे ये बिंदी, ये इस बिंदी से अच्छी है, कैसे कहेंगे। फलाने की आत्मा माना कोई नाम लिया, रूप आ गया सामने, उस नाम रूप धारी आत्मा इनसे अच्छी है, किनसे, दूसरे नाम रूप धारी अच्छी। ऐसे ही शिव बाबा को जब हम कहेंगे कि इनका पार्ट बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा का, तो किस आधार पर कहेंगे। जरूर कोई पार्ट धारी शरीर है ना, पार्ट तो किसके द्वारा बजाया जाएगा, शरीर के द्वारा बजाया जाएगा ना, तब तो महिमा होगी कि बिंदी फुदुक फुदुक करके चली जाएगी वापस और महिमा हो जाएगी। जो काम दुनिया में कोई आत्मा न कर सके वो काम शिव बाबा करके जाए, तो शरीर के साथ करके जाएगा, शरीर के द्वारा करके जाएगा कि बिना शरीर के करके जाएगा, वो शरीर होगा ना। चलो ब्रह्मा का ही शरीर से, लेकिन ब्रह्मा के शरीर से कौन सा ऐसा कार्य किया जो दुनिया की आत्मा नहीं कर सकती है? कौन सा ऐसा कार्य किया जो दुनिया की आत्मा नहीं कर सकती, कोई किया है? प्योरिटी का फाउंडेशन दुनिया की और कोई आत्मा नहीं डाल सकी। प्योरिटी से तो सारे काम होते हैं दुनिया के, क्या प्योरिटी से तो दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो स्वर्ग की यूनिटी बन गई प्योरिटी से, स्वर्ग की यूनिटी बन गई प्योरिटी से नहीं बनी। अरे वो तो बहुत धर्म किताएं भी प्योर आते हैं, जितनी जितनी जितना प्योरिटी होती है उतना उतना अपना बड़ा धर्म
अपना बड़ा संगठन बना ही लेते हैं। ऐसा काम बताओ जो दुनिया की आत्मा नहीं कर सकी। और उसको सुप्रीम सोल ने वो कार्य कर दिखाया, पार्ट बजा करके प्रैक्टिकल में साकार करिए। वो कौन सा कार्य है? नई दुनिया का फाउंडेशन डाल के चला गया, नई दुनिया नहीं बनाई। नई दुनिया का फाउंडेशन ही नहीं डाल के जाता है, बल्कि नई दुनिया स्थापन करके जाता है। जो स्वर्ग बनाना, सुख की दुनिया बनाना, सुख शांति स्थापन करना इस दुनिया में, ये दुनिया का कोई मनुष्य मात्र, कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी नहीं कर सके। वो कार्य परमपिता परमात्मा करके जाते हैं, तब उनकी पूजा होती है, उनकी भी पूजा होती है, और जिस शरीर में आते हैं उसकी भी पूजा होती है। इब्राहिम बुद्ध कहते हैं ब्रह्मा की पूजा पूजा नहीं होती है। क्यों? पूजा का आधार क्या होता है? पूजा का आधार होता है प्योरिटी। विष्णु की और शंकर की पूजा होती है, तो पूजा अधूरे स्वरूप की होगी या संपन्न स्वरूप की होगी? संपन्न स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मा तो विष्णु बन जाए तो पूजा हो। तो पहले शरीर याद आता है, तो बाबा की महिमा करेंगे तो कोई आधार होगा महिमा का। सबसे जाती परमात्मा की महिमा होती है, ईश्वर की महिमा सब करते हैं, तो जरूर कुछ कार्य करके गया होगा कि ऐसे ही महिमा हो गई। ऐसे सुने कि ब्रह्मा के तन में आके पढ़ाई पढ़ा के और वापस चला गया और महिमा हो गई? ऐसे थोड़े कहते हैं कि पति से पावन आओ ज्ञान सुना के चले जाओ। क्या कहते हैं? पति तो पावन आओ किस लिए बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ज्ञान सुना के चला जाए और पतितों से पावन कोई बने नहीं तो महिमा हो जाएगी नहीं? तो पहले तो शरीर याद आता है। कौन सा शरीर? परमात्मा का भी अगर शरीर याद आएगा महिमा करने के लिए तो कौन सा स्वरूप याद आएगा? जिस स्वरूप से सारी दुनिया में सुख और शांति स्थापन करके गया। बाप को अनेक शरीर अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, बच्चों को तो एक को याद करना पड़ता है, और बाप को है बाप को अनेक शरीर और अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। पड़ता मजबूरी ज्यादा कुछ एक सहज याद आता है और एक याद करना पड़ता है, अंतर क्या है दोनों? है जो स्वतः याद आता है वो तो सहज हो गया, और पड़ता है मानो की जो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि बच्चे नंबरवारी की स्टेज में बन संपन्न स्टेज में नहीं है। बच्चे कोई देवता नहीं है, हैं तो कांटे, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करने की अगर हिम्मत करते हैं तो हिम्मत है बच्चे मदद दे बाप। पर बाप मदद देने के लिए बांधा हुआ है, तो बाप को मदद देनी पड़ती है, तो बच्चों को याद करना पड़ता है। तो बाप को अनेक शरीर अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता है। क्या कहा? एक एक बच्चे के
शरीर का बापों को नाम नहीं याद आता है, लेकिन रूप याद आता है और आत्मा रूप के आधार पर उसकी आत्मा की अब याद आ जाती है। सिर्फ रूप फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो तो दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, चलते फिरते बाबा के साथ हो, जानते हैं कि तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें, है? कोई कोई पूछते हैं हम कैसे याद करें इसको, क्यों बाबा को, बाबा को ब्रह्मा तत्व याद करें या परम तत्व याद करें, पूछते हैं कि नहीं, पूछते हैं कहाँ याद करें। बहुतों का प्रश्न उठता है, बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। क्या? हाँ, शरीर भी जरूर याद आता है। क्यों याद आता है? नहीं, कोई की याद क्यों आती है, किस आधार पर आती है? कुछ प्राप्ति हुई होगी तो याद आती है। पहले शरीर फिर आत्मा, बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। क्यों याद आएगा इनके शरीर में, जो कि बैठा है? फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किसमें बहुत गुण है, किसके फूल में खुशबू है, फूलों से दिल रहती है, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं, किसमें गुलदस्ते। और बाप की नजर, बाप की नजर गुलदस्ते की पत्तियों पर जाएगी या फूलों पर जाएगी? बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी। कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, किस आधार पर? बाबा के लिए बड़ी अच्छी किस आधार पर है? बड़ी सर्विस करती है। अच्छी का आधार क्या? बाबा को कौन बच्चे याद आते हैं? कमजोर बच्चे याद आते हैं। आत्माभिमान में रह बाप को याद करते रहते हैं, जहाँ सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे में उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? तो बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा तो याद आता होगा ना, कहाँ याद आता होगा है? जो बाबा कहाँ याद आता होगा बोलो। क्यों मुझाए देते हैं? ये कहाँ 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 अभी कहीं कुछ बाबा ने तो कुछ कहा नहीं। बच्चों का प्रश्न दोहराया तो बच्चों का ये प्रश्न है, बाबा ने होगा कहा? तो बाबा परम धाम में याद आता होगा, बाबा ने कहा थोड़े ही, या मधुबन में याद आता होगा, कहाँ याद आता होगा बच्चों को? बाबा तो याद आता होगा ना, इतने शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया है। बाप कहाँ आ गया? नीचे आ गया कि ऊपर? मुरली चलाने के लिए नीचे आए इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। बाहर जाकर क्या करेंगे? इस तरह में प्रवेश करते हैं, इसको पहले
पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा याद आएगी। क्या कहा? तो बाबा की भी याद की ओरिजिनलिटी क्या हुई? पहले शरीर याद आया। जिस तन में प्रवेश करते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा हमने किस आत्मा भी याद किया। हाँ हाँ ठीक है, बता था किस तन में ब्रह्मा के तन की दादा ले जाए की बात बताई, बोलो क्लियर करके बोलो, धड़ाके पे बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे रुकते क्यों हो, बोलो भाई। हाँ वो तो बोला ना, ये बताया मुरली चलाने के लिए आते हैं ब्रह्मा के तले। ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए नहीं बोला, उसने शिव बाबा बैठा है ना, शिव बाबा को याद, वो तो फिर बोली बात हो गई, शंकर को याद करना है या शिव बाबा को याद करना है? आत्मा को याद करना है ना, याद करना तो आत्मा को ही याद है, लेकिन शरीर को याद आएगा ना, तो जिसका शरीर है वो तो आत्मा थोड़े याद करने के लिए कहा, वो आत्मा का काम थोड़े ही है। जो बाबा के तन से जो बेहद का प्यार दिया है वो किसने दिया? वो ब्रह्मा के तन से जो बाबा ने दिया ना, तो शिव बाबा ही याद आना चाहिए ना, ब्रह्मा थोड़े ही है। ब्रह्मा ने तो और भी 63 जन्म पीछे ले लिए, अगर उसकी ही आत्मा इतना प्यार दे सकती तो 63 जन्मों क्या उसने माता का शरीर धारण नहीं किया था, तब इतना प्यार दे रही थी? लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। द्वापर युग में जब तत्व प्रधान स्टेज में आत्मा थी तभी नहीं ऐसा कर सकी, सात्विक स्टेज में रज प्रधान सात्विक स्टेज में, तो कलयुग के अंत में तो तमो प्रधान आत्मा हो जाती, फिर सबको प्यार कैसे पा सकती? तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा याद आएगी। फलाने शरीर में जो आत्मा है वो अनन्य है, अच्छी है, इनको शरीर से बिगड़ कुछ सूझता नहीं, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते सबको देखते रहते, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। कौन याद करती है? फलानी बच्ची शरीर के साथ बच्ची, नहीं तो जो बाबा के तो सब क्या है, सब बच्चे हैं, शिव के तो सब बच्चे हैं, लेकिन शरीर के साथ बच्ची भी हो जाती। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार लेती है, कितना प्रेम से याद करती है, जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आते, कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है? क्या था? बाबा को धंधा क्या है? बाबा को कोई धंधा है? पति खोदनी है, पति चलानी है, हाथ खोदनी है, भाषण करना है, बाबा को धंधा क्या है? सबको याद करते, बाबा का धंधा क्या है? सब बच्चों को याद करते हैं, बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, इसको सुख नहीं देती, ये अपना ही कल्याण नहीं करती, बाप को यही याद करते रहेंगे। क्या क्या याद करेंगे? याद करना माना सकाश देना। बाबा जब किसी आत्मा को याद करेंगे तो उसको सकाश मिलेगा, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना, उसका कनेक्शन रहता है आत्मा का। एक दिन आएगा जबकि योग बल में बहुत रहेंगे, बहुत कौन रहेंगे? 5 करोड़ है,
500 करोड़ थोड़े रहेंगे। जो आत्मिक स्टेज वाले बच्चे होंगे, जो बाप के बच्चे होंगे, आत्मा वो योग बल में बहुत रहेंगे। साक्षात्कार कहो तो भी कोई समझ न सके। ये भी किसको याद करेंगे तो 10 साक्षात्कार होगा। क्या कहा? एक दिन आएगा जबकि योग बल में बहुत रहेंगे। कौन रहेंगे बहुत है? बहुत योग बल में कौन रहेंगे? बाबा के बच्चे, आत्मिक स्टेज वाले बच्चे। अभी योग बल नहीं ठहरता है, आगे चल करके बहुत योग बल में रहेंगे। यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। कौन याद करेंगे? यह भी, यह करके किसकी तरफ इशारा किया? अभी अभी तो बोल रहे थे। यह भी किसी को याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। ब्रह्मा बाबा की तरफ उन्होंने जरी छोड़ दिया और बच्चे अभी बहुत याद में टिकने वाले बने नहीं। बहुत याद में टिकने वाले कब बनेंगे? जब प्रैक्टिकल में चारों तरफ दुनिया में हाहाकार होगा, विनाश ही विनाश नजर आएगा, तो सबको बहुत याद आएगा। अब ब्रह्मा बाबा तो रहे नहीं। अब ये है, यह है सारा किसकी तरफ से है? यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। यह किसके लिए कहा और किसने कहा? यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। बाजू में कौन बैठा? ब्रह्मा ना बैठा ना, उसके लिए यह इशारा किया। यह भी किसी को याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। ऐसे नहीं कि मैं ही याद करता हूँ बच्चों को, तो उन बच्चों को साक्षात्कार हो सकता है। यह भी याद करेंगे तो उनको झट साक्षात्कार होगा। वो तो सभी छोड़ गए। अब कैसे याद करेंगे? है तो वो छोटी बिंदी। साक्षात्कार कहो तो भी कोई समझ न सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है, तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती। किनकी आत्मा? जो याद करती है उनकी आत्मा पावन बनती जाती। बगीचे में वैरायटी फूल होती है, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है। ये इतना नहीं, जितने और खुशबूदार है इतना यह नहीं है। पद भी कम होगा जब उतना खुशबूदार नहीं है तो उसका पद भी, दूसरों की खुशबू कम होगी तो पद भी कम होगा। बाबा की जो मददगार बनते हैं वो ही उच्च पद पाते हैं। वो भी जो बाप को याद करते रहते हैं। क्या था? मददगार तो बहुत बनेंगे लेकिन ऊंच पद पाने वाले 100 ही निकलेंगे राजा। मददगार तो हजारों बन जाएंगे, हजारों भुजाएं होती है मददगार, भुजा माने मददगार। तो उन भुजाओं में भी ऊंच पद कौन पाएंगे? जो याद करते रहते। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता होते हैं। ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं क्या? कि ये दैवी फूल है या आसुरी फूल है? क्या कहा है? अब कौन वर्णन करेगा संगम युग में? अरे ब्राह्मण ही पहचान कर वर्णन करेंगे ना कि ये दैवी फूल है और ये आसुरी फूल है। संगम युग में कौन वर्णन करेगा? ब्राह्मण कुल में पहचानेंगे ना कि ये दैवी फूल है और ये आसुरी फूल है। इसका मतलब आसुरी भी बाबा के आके पढ़ते हैं। फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है।
कोई किस धर्म का, कोई किस धर्म का, कोई विधर्मी और विदेशी और कोई स्वधर्मी और स्वदेशी। बाबू भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को याद करते रहेंगे, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी है टीचर भी है, बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है, टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। सुबह को तुम सब आत्माएं भाई भाई बाप की याद में बैठते हो, वो सब्जेक्ट है याद की, फिर मुर्दी चलती है, वो है पढ़ाई की सब्जेक्ट, मुख्य है ही योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। इसको ज्ञान को क्या कहा जाता है, पढ़ाई को क्या कहा जाता है, ज्ञान, और योग को विज्ञान कहा जाता है। तो ये विज्ञान विज्ञान भवन है जहां बाप आकर के सिखलाते, ज्ञान विज्ञान भवन कौन सा हुआ, उन्होंने तो दिल्ली में बना दिया, क्या उन्होंने तो स्कूल दिल्ली में बना दिया, क्या बना दिया, तो नाम क्या रख दिया उसका हाल का, ज्ञान विज्ञान भवन, विज्ञान भवन का नाम क्या रखा, गवर्नमेंट की तरफ से एक हाल बनाया गया, उसका नाम रखा गया विज्ञान भवन। तो विज्ञान भवन यादगार कहाँ बनी हुई स्कूल में बनाई गई है, दिल्ली, दिल्ली में क्यों बनाई गई, कलकत्ते में क्यों नहीं बना दिया, दिल्ली में शुरुआत, विज्ञान भवन दिल्ली में यादगार बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जरूरी इसलिए गवर्नमेंट भी विज्ञान भवन देहर का कहाँ बनाती होगी, जहाँ से ऊंचे पद पाते हो, दिल्ली में बनेगा ना, बनेगा कि बन गया कि बन रहा है। ज्ञान से सारी शक्ति की नाली मिल जाती है, और विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिस योग में रहने से तुम पावन बन जाते हो, क्या कहा, कौन सी योग में रहने, अभी तक तो बताया योग माना क्या, आत्मा को याद किया, सुप्रीम सोल बाप को कैसे याद करेंगे, परमधाम में याद करेंगे, शरीर में याद करेंगे, शरीर में याद करेंगे, तो कौन से शरीर में याद करेंगे जो पावन बन जाते हो, सवाल तो ये है, विज्ञान माने तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो, तो कौन से शरीर में याद करने से तुम पावन बन जाते हो, क्या करेंगे, दादा देख रहा है ब्रह्मा के तन में शिव आता था तो उस तन में याद करने से पावन बन जाते हैं, बोलते क्यों, गारंटी है कोई, दीदी दादी दादा है यही कहते हैं कि हम याद करते करते पावन बन जाएंगे, चलो अभी नहीं बने, आगे तुम कौन पावन बन गए, तुम कौन से शरीर में याद करते हो जो पावन बन गए, जब तुम नहीं बन गए तो हम भी नहीं बन गए, तुम बन जाओगे तो हम भी बन जाएंगे, अंतर क्या हुआ, तो पावन बनने का कार्य भी आ रहे हैं, तो पावन बनने का संदेश दे रहे हैं, संदेश सुनने नहीं दिया क्या, विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो, विज्ञान भवन कहाँ बनाया, अभी जो बात हो रही प्रसंग को पकड़ो, दिल्ली में, तो योग असली कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ ना, विज्ञान भवन, जिस योग से तुम ज्ञान से नहीं पावन बनते हो, ज्ञान भवन से तुम पावन नहीं बनोगे, यानी माउंट आबू में जो ज्ञान सुनाया उससे पावन बनने की बात
नहीं है, पावन बनने की बात कब है? जब बाप आकर के योग सिखाते हैं, सहज राजयोग जो प्रवृत्ति में रहकर के सिखाया जाता है। माउंट आबू में क्या प्रवृत्ति थी? सरस्वती तो उनकी बेटी थी, बेटी को कोई युगल कहेंगे, प्रवृत्ति कहेंगे क्या? वो कोई प्रवृत्ति हो रही है? बाप ने तो प्रवृत्ति में रहकर राजयोग सिखाया। रोज मुझे बोलते रहते हैं निवृत्ति मारे वाले, प्रवृत्ति मारे वाले को राजयोग सिखाई नहीं करते। तो खुद बाप कैसे निवृत्ति में रहकर के बच्चों को राजयोग सिखाई? तो राजयोग की सिखाने की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ विज्ञान भवन बनता है। विज्ञान भवन में बताया कि योग है, योग भवन। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो, तो तुमको अर्थ का पता है। इस बात के अर्थ का विज्ञान क्या है? वि मन विशेष और ज्ञान मन ज्ञान। मैंने एक तो सिर्फ ज्ञान मिला और दूसरा फिर विशेष ज्ञान मिला। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देह अभिमान से ही भूत निकलेंगे, देही अभिमानी से ही भूत निकलेंगे। ऐसे नहीं, सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतु हो तब चलन के अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते ही क्या कहा? हिसाब किताब जब चुकतु होगा तो क्या होगा? क्लास ट्रांसफर होगा। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ऐसे क्यों बोला मुरली? जरूर पहले ज्ञान तो सीखेंगे, पढ़ाई तो पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। बिंदु को याद करते करते देश के किनारे में बिंदु की याद सिखाएगी, तो बिंदु को याद करने से बुद्धि बिंदु माना सूक्ष्म बनेगी। तो जिनकी जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बन गई उनका एक आयाम पूरा हुआ पढ़ाई का। तो क्लास ट्रांसफर होता है, तो उसमें भी हिसाब किताब है। हिसाब किताब जब चुकतु हो तब चलन के अनुसार पढ़ पाएंगे, वो तो बात की बात। लेकिन क्लास को पहले ट्रांसफर होता है। इस दुनिया के ट्रांसफर नीचे हो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या ऊपर और नीचे का क्या मतलब? इस दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सब देहधारी दुनिया से पढ़ाई पढ़ते पढ़ते नीचे जा रहे हैं, और तुम ऊपर माने कहा ऊंची स्टेज में जाते हो। हाँ, तो कितना फर्क है ऊंची स्टेज में जाने की और नीची स्टेज में जाने की? पहचान क्या, कैसे कहे? वो भी कहेंगे हमें ऊंची स्टेज की ऊंची स्टेज में जाते, देखो हम तो हवा जाके उड़ते हैं, नीचे ही करें। तब क्या जवाब दोगे? प्रैक्टिकल चलन है ना, देखो हवाई जहाज में हम प्रैक्टिकल उड़ रहे हैं, तुम्हें तो कोई पूछता नहीं है। है बुद्ध रूपी विमान में उड़ते हो, यही है पहचान। जिनकी बुद्धि में देह और देह के संबंधी और देह के पदार्थ ही याद आते हैं वो जा रहे हैं नीचे, और जिनकी बुद्धि मनन चिंतन मंथन में लग रही है और ये दुनिया पुरानी देह और देह के संबंधों की देह के पदार्थों की दुनिया भूल रही है वो नीचे जा रहा है। नीचे जाने के और नीचे जाने की पहचान क्या हुई? उनकी बुद्धि हमेशा जड़ पदार्थों में, जड़ पदार्थों में फंसी रहेगी, जड़ दुनिया में फंसी रहेगी, देह के संबंधियों में फंसी रहेगी, और जो ऊंचे जा रहे होंगे वो बड़े स्थायी स्टेज में जाएंगे। तो उनके ट्रांसफर नीचे और तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं। वो कलयुग की पीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम की पीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं। क्या अंतर बताया? क्या बताया? दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है उनमें और तुम्हें। वो तथाकथित ब्राह्मण नीचे जा रहे हैं और तुम ऊपर जा रहे हैं। तुम कहते हो हम संगमी भी हैं, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। क्या कहा?
बाप किस लिए आता है? पुरुषों में माने आत्माओं में उत्तम बनाता है। सारी दुनिया आत्माओं में मनुष्य आत्माओं में जो उत्तम है उसको उत्तम की नजर से देखे तब तो कहेंगे पुरुष उत्तम। कि सारी दुनिया देखे नहीं और ऐसे ही हम थोड़े से लोग जो है उसको उत्तम मान ले तो वो उत्तम हो जाएगा पुरुष उत्तम। ऐसे तो हर धर्म में अपने अपने धर्म संस्थापक को या अपने धर्म के मुखिया को उत्तम मानते हैं तो सारे पुरुषोत्तम हो गए। पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ऐसे नहीं आ करके पढ़ाई पढ़ा के चला जाए और फिर पुरुषोत्तम बाद में बनते रहे तो नहीं, बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संबंध हो तुम्हारे लिए, बाकी सब भक्ति मार्ग के घोड़े भी आ रहे तुम्हारे लिए क्यों और उनके लिए क्यों नहीं? जहाँ बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो वहाँ हुआ पुरुषोत्तम संगम युग, वो सिर्फ मधुबन में ही होता है। सारी दुनिया में पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होता, बाकी सब है घोड़े भी आ रहे। भक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान सिर्फ कहाँ से आता है। ज्ञान सिर्फ बाप से आता है और भक्ति शास्त्रों से आती है, देहधारी गुरुओं से आती है, उनको ज्ञान का पता नहीं। तुमको अभी ज्ञान मिला है तब तुम समझते हो भक्ति से हम नीचे उतरते थे। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सब बातें मारुती बच्चे सुन करके धारण करके और सुनाते रहेंगे, बाकी तो यहाँ से निकले और खराब। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। जब समय होता है ये है कल्प का संगम युग, पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया स्थापन होने बिना सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है, कितना भक्ति का घोर अंधेरा है। गिरते ही रहते हैं, कोई तो निमित्त भी होगा के गिराने के लिए। कौन निमित्त? वो भक्ति मार्ग वाले गिरते ही रहते हैं तो उनको गिराने के लिए निमित्त कौन होगा? वो है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पति से बैठ नहीं सकता। मान लो घर में पति तो होकर के फिर यहाँ आके बैठते हो तो कौन जान क्या होगा। बाबा कहते हैं बैठ नहीं सकता और मान लो बैठा हो तो जोर से बोलो पाप करेगा तो पाप करते करते फिर अंजाम क्या होगा। हाँ, इस सभा में वास्तव में कोई पति तो बैठ नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा झूठ बोलते हैं कि देखो हम तो बैठे हैं, हवा को तो बिगाड़ लो का निकाल दिया हमें बेकार भी देखो तो ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि कोई सदा काल के लिए बैठ नहीं सकता। अगर बैठेगा हाँ तो एक तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। क्या? हाँ, बुद्धि को ताला लग जाएगा। जो बात जैसे समझनी चाहिए वैसे नहीं समझेगा, उल्टे ही अर्थ बैठेंगे बुद्धि। और धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा हाँ होगा तो बैठ नहीं सकता। पति तो वायुमंडल को खराब करेंगे। क्या कहा? अगर पति तो बनता होगा और यहाँ आकर के बैठता होगा तो यहाँ का वायुमंडल कैसा बनाएगा? सबसे बड़ी चिंता कौन सी करेगा? वायुमंडल दूषित करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई। अगर कोई छिप करके आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है। मतलब कि आकर के बल बैठो फिर बेचारे ही आएंगे, लेकिन क्या करो छिप कर नहीं बैठो उधर बैठो उधर बैठो कैसी
சந்தன வைத்தியம் தவிர என்ன குடும்பம் கேது உதந்தர் கேட்டு வைத்தியம் செப்பு கருக்கு கைது செப்பு கருக்கு என்ன பேசும் உதந்தர் பேசும் உதந்தர் பேசும் மட்டும் கேவும் बाप के सामने पूरा पोता ले चलो तुमसे गलती हुई थी तो क्या करो बाबा को बताओ अगर कोई छिप करके आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है चोट भी कब लगती है जब बाप को बताते नहीं है और छिप करके बैठे रहते हैं कि हम तो बड़े पवित्र हैं तुम पहचानो एकदम गिर पड़ेंगे क्या होगा अंजाम क्या होगा एकदम गिर पड़ेंगे ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य बनकर आकर बैठते हैं तो जट पर पता पड़ जाएगा पत्थर बुद्धि तो है ही बाकी और भी पत्थर बुद्धि हो जाएगी सौ गुना दंड पड़ जाएगा ये सौ गुना तो कई साल पहले बोलते थे है? कितने साल पहले बोलते थे सौ गुना अड़सठ तक बोलते थे सौ गुना अब सौ गुना ही बड़ा होगा कुछ ब्याज ब्याज बढ़ेगा कि नहीं तो बाद में बोलने लगे हजार गुना अपने को नुकसान पहुंचाएंगे कहते हैं हम देखेंगे इनको पता पड़ता है कि नहीं अरे हमको क्या पड़ी जो करेगा तो पाए हमको जाने की भी जरूरत नहीं तो बाप से सदैव सच्चा रहना है क्या हाँ सच कौन नहीं बताते जो बाप को नीचा दिखाना चाहते हैं अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं हम अच्छे हैं और बाप नीचा है तो मारे अहंकार है तो बाप को तो बताएंगे नहीं बाप से सदैव सच्चा रहना है कहते हैं सत्य तो बिठू नच सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे और यहां भी डांस करेंगे बाप है शुद्ध तो बच्चों को भी शुद्ध बनना चाहिए बाप पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है पूछते हैं बाप तो बाबा कहाँ है क्या जवाब देंगे हैं? कहते हैं इतने हैं परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए उनको तो बहुत शर्मिंद करनी है कितने हैं तो बाबा कहाँ है कहते हैं इतने हैं कितने बता देंगे कितने हैं है? बताते क्यों नहीं अधूरे रह जाओगे नहीं बताओगे तुझे हाँ पूछते हैं बाप पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है पहले किस बात का जवाब दो कहते हैं ऐसे नहीं बाबा ने खुद ही जवाब दे दिया तो ऐसे नहीं माना किसने तो किसने इसने है इसने आप ने बताया नहीं दूर कर रहे हैं उसने कहे तो दूर हो गया इसने है तो कितने हुआ सामने वाले ने कहा इसने है माने बाजू में बैठा हुआ बता रहा हूँ ना इसने है तो किसके बाजू में बैठा है अरे ब्रह्मा जी बाजू में बैठा है ना तब तो बोला इसने है इसमें है परम नाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है रुको उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है अभी इसमें है फिर क्या बोल उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है फिर उनको अब दूर क्यों कर दिया जब इसमें है तो इसमें ही बोलो ना इनको अब बहुत सर्विस करनी है ऐसे क्यों नहीं बोला अभी इसने है अभी फिर कहते हैं उनको बहुत सर्विस का गया भाजन दौ संख्या है
उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है की नहीं है करनी है बहुत सर्विस कौन किए थे बाबा ने अरे पढ़ाई पढ़ाए गए ब्रह्मा के तन में आज तक पढ़ाई पढ़ाई कोई कम बात है क्या इतने साल पत्थर पढ़ाई पढ़ाई तो कोई कम बात हो गई क्या ये सर्विस नहीं हुई क्या ये पढ़ाई पढ़ाना सर्विस नहीं हुई क्या बहुत सर्विस नहीं हुई कौन सी सर्विस के लिए आए हैं बाप पतितों को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए आए तो वो बहुत सर्विस हुई वो नहीं इसलिए कहा उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है उनको कह दिया इसका मतलब कहीं दूसरी जगह दूसरा भी दूर पास करना है उसकी तरफ इशारा किया बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है क्या कहा तुम तो देने में कट्टो है क्या कही है हाँ बाबा को तो रात में भी सर्विस करनी पड़ती है दिन में भी सर्विस करनी पड़ती है हाँ पड़ती है पड़ती क्यों लगा दी मजबूरी लाएगी मैं लगा दी ठेका है जैसे धोबी ठेका ले कुछ गधा पे गंदे का कपड़ा भर के ले जाते हुआ जाकर और बोलते ठीक हो राम ठीक हो राम तो का मजबूरी होगी तो मजबूरी होगी क्या एक तरफ ठीक है अरे ठीक है बोलते प्यार को धो ना हाँ दोबारा न करना पड़े तो कमजोर हो गया सर तो फिर कपड़े धो नहीं धोएगा बाग रहे बाबा कोई घबराता थोड़े ही है वो देहधारी धर्म गुरु घबरा के छोड़ छाड़ के भाग जाते होंगे दरगे किसी टीचर को वो छोड़ के भागते हैं तो बाबा थोड़े ही छोड़ के भागता है बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है इस बात का इसका साक्षात्कार है किसका साक्षात्कार कराना पड़ता है संदेशियों को भी साक्षात्कार कराना पड़ता है और भक्तों को भी साक्षात्कार कराना पड़ता है पड़ता है कि मजबूरी क्या है इसमें भाई भक्तों को तो जल्दी बुद्धि हो जाएगी नहीं ज्ञानी आत्मा तो है नहीं ज्ञानी आत्मा हो तो फर्स्ट से बात समझ जाए बाप के पार्ट को भी समझ जाए और सारे राज को समझ जाए राजयोग को समझ जाए राजयोग नाम दिया है ना तो इसमें कोई राज होगा ना तो भक्त बेचारे समझ नहीं पाते तो बाबा को क्या कराना पड़ता है उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है हाँ तो देखो ये है भगवान इतना पार्ट और कोई बजा नहीं सकता है तो यहाँ ही भगवान का साक्षात्कार जिसका कराते हैं वो भगवान है कहाँ है तो यहाँ ही वहां तो कोई सर्विस नहीं कहाँ है कहाँ सर्विस नहीं वहां तो कोई सर्विस नहीं परमधाम में वो सर्विस नहीं है बाप की कौन सी सर्विस की तरफ इशारा कर रहे हैं पतित को पावन बनाने की सर्विस यहाँ ही कर रहे हैं कोई वहां नहीं करते बैठ के कि कोई समझता हो जब शिव बाबा को परमधाम में बिंदु को याद करते रहेंगे तो हम पतित से पावन बन जाएंगे तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी बन जाते वो तो स्वर्ग में भी नहीं आते पूरे पतित से पावन बन गई तो वहां तो कोई सर्विस नहीं सर्विस से बिगड़ बाबा को सुख नहीं आए कहा गई बाबा को सर्विस बाबा को सुख कब आओ बाबा को सुख चाहिए अरे देहदारी सुख भोगा तुम बाबा को सुख चाहिए देहदारी फिर बाबा ने क्यों ऐसी बात बोली सर्विस से बिगड़ बाबा को सुख ना आए देहदारियों को कोई सर्विस करने के लिए थोड़ा ही होता है वो तो अपना देहाभिमान का सुख भोगते हैं और बाबा को कौन सा सुख है बच्चों की सर्विस होगी सेवा होगी बच्चे पतित से पावन बनेंगे बच्चों की बुद्धि दुनिया से निकल करके किस में लगे एक में लगे तो यही बाबा की सर्विस है
इससे बाबा को सुख आता है, इस बात सुख कि सारी दुनिया से बुद्धि टूट करके बच्चों की बुद्धि मुझे एक में लगे, तो सर्विस बिगड़ बाबा को सुख ना आए, सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ, कहते मैं सरस में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़ा गाड़ी बनाई थी, क्या कहा रथ की जगह उन्होंने क्या बना दिया, चार घोड़े लगाए दिए और गाड़ी बनाई दी, रथ बनाई दिया। अब घोड़े गाड़ी में कैसे कैसे बैठेंगे, तो जवाब दे है जवाब कोई कैसे बैठेंगे। अरे वही ब्रह्मा की सोल जिसके कण से पढ़ाई पढ़ाई बेसिक नॉलेज सुनाई, वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके कृष्ण का पार्ट बजाती है, जिस कृष्ण का शास्त्रों में गायन है संत के साथ कृष्ण, वो कोई शत्रु में नहीं होता, कहाँ होता है संगलिंग में ही होता है। तो घोड़ा गाड़ी दिखाई दी, घोड़ा गाड़ी का मतलब कृष्ण अकेला नहीं है, और भी आत्मा रूपी अस्त्र है, उसके संगी संगी साथी जो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं। तो आप घोड़े गाड़ी में कृष्ण कैसे बैठेंगे, जवाब मिला, जवाब नहीं मिला। कोई ब्राह्मण बच्चे हैं, जिन ब्राह्मण बच्चों में बाबा पहले पहले प्रवेश करके सर्विस का कार्य शुरू करते हैं एडवांस नॉलेज है? हाँ, तो उनमें कोई चार मुख्य अस्त्र होते हैं, जैसे चार मुख्य धर्म है तो चार धर्मों के चार बीज भी है, तो वो आत्मा रूपी अस्त्र है, उनमें एक है मुख्य, वो हो गया कथ, उसके शरीर रूपी रथ में बैठ करके कार्य करते हैं। तो अब घोड़े गाड़ी में कृष्ण कैसे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, कैसे माने कैसे बैठेंगे, कोई हाथ पांव से बैठेंगे क्या, पर काया प्रवेश करके कृष्ण की सोल माने ब्रह्मा की सोल माने दादा लाल लेख राज की सोल, वो ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके उसके रथ में बैठती है। ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का, जो उनको शौक है टमटम पर बैठने, देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संग लोगों पर ही होती है, और सिवाय बात की ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकता है। क्या कहा, ये घोड़े गाड़ी वाली बातें हैं, ये चार घोड़े उसमें से पहुंचे, अगर ब्रह्मा का रथ कहें तो उसमें चार घोड़े कहां, शास्त्रों में अगर चार घोड़े दिखाए हैं, चित्रों में दिखाए हैं, तो फिर साधक भी तो होने चाहिए, बाकी तो सारी कहां की है, संगति की यादगार है, तो सिवाय बाप की ये बातें और कोई समझाए भी नहीं सकता। तुम भी अभी जानते हो, पहले कभी इन बातों को नहीं जानते थे, क्या कोई गुरु ने सिखाया, गुरु तो बहुत दिए, कोई ने भी नहीं सिखाया, बहुत लोग गुरु करते हैं समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए, बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, वो ही साथ ले जाते हैं शांति धाम में, सुखधाम में शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग है शुद्ध वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण, इन वर्णों का भी तुम्हारी सिवाय कोई को पता नहीं, यहाँ तो सुनते हैं बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, क्या कहा धारणा होती नहीं, ऐसा क्यों होता है, क्यों भूल जाते हैं, कि यहाँ बाप का संग है और बाहर बाहर दुनिया वालों का संग है, अज्ञानियों का संग है, तो संग का रंग तो लगता ही, बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैग पड़ा हुआ हो, क्या कहा बैग, बैग मान वो बिल्ला जो दिल में लटका रहता है, जिस बैग में उन्होंने बिंदु दिखाई दिया है शिवलिंग बनाई दिया है वो बैग पड़ा रहे, वो बैग तो रंग बनाई दिए विधर्मियों का बनाई दिया, क्योंकि विधर्मी से बिंदु निराकार वो मानने वाले होते, बाबा का बैग बनवाया हुआ कौन सा था, अपनी एक तरफ त्रिमूर्ति दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण, तो उसे बैग बैग नहीं टिका रहे, बैग कुर्सी में पड़ा हुआ हो
बुद्ध रूपी पैकेट में पड़ा हुआ हो कि स्थूल पैकेट में बुद्ध रूपी पैकेट में पड़ा हुआ हो कि ब्रह्मा का पार्ट वास्तव में संसार में कौन सा प्रत्यक्ष होने वाला है, विष्णु कौन प्रत्यक्ष होने वाला है और शंकर शंकर की मूर्ति कौन सी है, बाबा ने जब डायरेक्शन दिया है उन्होंने ये मूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है तो बच्चों को एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक्यूरेट चित्र क्यों ना बना दो, इसका मतलब एक्यूरेट भी बनेगा ना, एक्यूरेट होंगे तो एक्यूरेट बनेगा, तो बैज पड़ा रहे इसमें लज्जा की बात नहीं है, इस बात में लज्जा की बात नहीं, बैज बुद्धू की पास में पड़ा रहे तो इसमें लज्जा की बात क्या होगी, अरे बुद्धि में पड़ा हुआ है देखेगा कौन, अगर हम बुद्धि पाकिट में से निकालेंगे और दूसरे को समझाएंगे और बताएंगे कि ये देखो बैठे हैं नंग मनंगे जे हैं शंकर जी महाराज, ये तीसरी मूर्ति दूसरी मूर्ति, ये ब्रह्मा जी महाराज क्या कौन है, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने बड़ी माँ, तो कोई को उस प्रश्न करने लगे हैं ये ब्रह्मा, अरे एक वे ब्रह्मा आते जी सबको प्यार को कहते और ये कैसे ब्रह्मा और ये शंकर जी महाराज ये कहां से निकल गए, और बाबा ने तो बताया विष्णु चार भुजा का कोई होता ही नहीं और विष्णु कहां से आई है, तो इसमें लज्जा की बात नहीं है क्या, तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट बैठा हुआ होगा तो तुम दूसरों को भी निकाल के समझाएंगे और तुम ही नहीं समझे होगे तो तुमको लज्जा आएगी हम कैसे समझे, ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है क्या, बैठ जो बुद्ध रूपी पाकिट में तुम्हारी पड़ा हुआ हूँ किसको भी समझा करके दो क्या, ऐसे नहीं सीधा सीधा जे विष्णु बनन वाले और जे शंकर भी बनन वाले और जे हमारे ब्रह्मा जी हैं तो नहीं कोई समझे, क्या करो समझा करके